भोजपुरी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम संभावना सेठ की मंगलवार को खबर आई कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये खबर उनके पति अविनाश द्विवेदी ने संभावना के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट के जरिए उनके फैंस तक पहुंचाई। अविनाश ने पोस्ट में जानकारी देते हुए लिखा है, संभावना की सेहत बिगड़ गई है, जिसके चलते बीती रात उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। आज सुबह 5 बजे ही हम वापस आए हैं। इसी बीच संभावना सेठ की तबीयत फिर से खराब हो गई है। दोबारा हॉस्पिटल जाने की वजह से आज संभावना सेठ ब्लॉग का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। वहीं घर वापस आने के बाद संभावना ने स्पॉट बॉय से बात की और बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो गया था और मैं बेहोश हो गई थी। तबीयत खराब होने के बाद सुबह 4 बजे ही मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। हॉस्पिटल ने अपने गेट तक नहीं खोले। हमने कई सारे हॉस्पिटल में जाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोले, तो हम कोकिलाबेन हॉस्पिटल गए, जहां मेरा चेकअप हुआ और इलाज के बाद उन्होंने मुझे जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वहां रुकना सेफ नहीं था। साथ ही संभावना ने कहा कि मैं भगवान से दुआ करती हूं कि इस वक्त किसी की भी तबीयत ना बिगड़े, क्योंकि बाहर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आप और ज्यादा खराब तब महसूस करेंगे जब कोई भी हॉस्पिटल आपकी मदद करने की स्थिति में नहीं होगा। हम जब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भाग रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मुझे एंजाइटी अटैक आ जाएगा। मुझे लगा आज मुझे कुछ हो जाएगा। आपको बता दें कि संभावना सेठ भोजपुरी इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा है। संभावना ने भोजपुरी इंडस्ट्री में कई आइटम नंबर किए हैं, साथ ही रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आई थी। न्यूज डेस्क।